सबसे पहले स्वागत जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस क्लास के डेमो लेक्चर में। यस सर, थैंक यू सो मच। और जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जूम ऐप, इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। इसका यूज हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए और लाइव मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके सर, तो जो कोर्स ज्वाइन करता है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके। और ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह सिक्योर है। साथ में आपने सेलफोन, अपने मोबाइल, अपने टैबलेट, लैपटॉप, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये कनेक्टेड कनेक्टेड है। लेकिन सम कंट्री, गल्फ हो गया और कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे जूम बैन है, तो वहाँ पे हमारे पास गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो हम क्लासेस गो टू मीटिंग से भी ले सकते हैं और जूम से भी ले सकते हैं, ओके सर, ठीक है। या तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझा दिया, और इस सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी आप सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आपने सिस्टम से ज्वाइन किया है, सेलफोन से ज्वाइन नहीं किया है, तो अपने सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कि कोई डिजिटल नोट, आप एक डिजिटल नोट बन जाएगा आपको, कोई किसी तरह का आपको कुछ लिखने उठने का झंझट नहीं है, क्योंकि जो भी हम बातें करेंगे वो सबके सब रिकॉर्ड हो जाएगा और रिकॉर्डिंग ओके आपके सर, सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। और जिसको आप कभी ओके ऐसे बैकअप के लिए, मैं भी सेशन को रिकॉर्ड करता हूँ कि किसी दिन आप नहीं आए और मैंने क्लास ली। हालांकि क्लासेस तो मोस्टली हमारी वन टू वन होती है, तो अगर आप नहीं आते हैं तो क्लास कंडक्ट नहीं होती है। ओके लेकिन कभी मान लीजिए कि आपके साथ दो तीन बच्चे बैच में हो जाए, क्योंकि मैं मैक्सिमम 5 तक का बैच रखता हूँ, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में, दोपहर में जो मोस्टली खाली होता है, मतलब कि पहले ओके हाँ मोस्टली खाली रहता है। तो हाँ अब जैसे कि क्लास जिस दिन छूट जाती है, उस दिन की क्लास की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आपके किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कॉल पे हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। और साथ में अगर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हुआ तो हम संडे को कवर कर लेते हैं, संडे ओके सैटरडे ओके होती है उसको कवर कर लेते हैं, राइट सर। ओके सर, एक फुली तरह से सर, देखिए मैं अपने बारे में बता दूं, हालांकि मैं पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं बिलोंग बिहार से करता हूं, लेकिन मैं दिल्ली में, मेरा ऑफिस है तो दिल्ली और बिहार में आते जाते रहता हूं। बिहार से भी क्लासेस ओके और सर, दिल्ली से भी क्लासेस ले लेता हूं। तो ओके सर, और मेरी जो टोटल एक्सपीरियंस की काउंट करें तो मैं 2004 में अपना काम स्टार्ट किया था, राइट। मैं उस समय 10th में पढ़ता था और मैंने तभी से एक्सेल पे काम करना स्टार्ट किया। ओहो, तो मैं पिछले 2004 से एक्सेल स्टार्ट किया था, तो 10th में पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने काम एज एक्सेल पे काम करना स्टार्ट किया था। सीखा तो मैं 2003 में था। मेरे अंकल बैंक ओके, में वर्क करते थे और बैंक हमारा कंप्यूटराइज हुआ था, और अंकल की रिटायरमेंट की मात्र 1 या 1.5 साल ही रह गई थी, तो अंकल ने ओहो, कंप्यूटर अवॉइड किया, उनके जगह पर उन्होंने मुझे भेजा, बोला कि तुम सीख लो और 1.5 साल तो बचा है, तो अपने स्कूल के बाद आके मेरा काम कर देना। ओहो ग्रेट, ऑफिस, हाँ वहीं पे मैंने ऑफिस 95 को और विंडो 98 को सीखा था। ओके ओके हाँ उसी समय सीखा था और उसी से समय से मेरा जर्नी कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने 2006 में ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद 2009 से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और 2013 ओके 2009 से 2013 तक मैंने पार्ट टाइम क्लासेस ली थी, जॉब के साथ साथ क्लासेस भी की थी। 2013 के बाद मैंने फुल टाइम क्लासेस कर दिया, क्योंकि मैं बन गया रिपोर्ट कंसल्टेंट। मेरे पास तकरीबन ओहो साल में 70 के आसपास कंपनीज हैं जिनकी मैं रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करता हूँ, उनके क्रिटिकल रिपोर्ट्स को मैं ऑटोमेट करता हूँ। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक लीगल एडवाइजर होता है ना सर, उसी तरह से मैं हाँ हाँ एडवाइजर हूँ। वाह, ग्रेट ग्रेट सर, हाँ, तो उनके कुछ काम छोटे मोटे, उनका उनका कुछ हमारा हमारा उनका कुछ मंथली कुछ टाई अप है, और ओके उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है उनके स्टाफ्स की, वो मुझे कॉल पे ओके फोन करके बात कर लेते हैं, और कोई क्रिटिकल रिपोर्ट हुई तो मैं उनको सॉल्व कर देता ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, हूँ। तो उससे मैं, इसके बाद मैंने अपना फुल टाइम क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अभी तक मैंने मेरा अगर ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस को जोड़े तो तकरीबन 13 से 14 साल में ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस है, और मैं पहला हूँ जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस 2007 में स्टार्ट किया था। ओ हो ग्रेट,
उस समय गूगल पे एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर डालते थे, कुछ मेरे अलावा कोई और आता नहीं था, एक दो फॉरनर के आते थे जैसे डॉक्टर लिंडा वगैरह है ओके चलते, लेकिन उस समय इंडिया में कोई खास नहीं था। एक लास्ट यहाँ पे गेटर क्लास में एक थे दिनेश ओके जी करके कोई थे जो पढ़ाते थे, अभी एजेड थे ओके तो बस ये शौकिया तौर पे पढ़ाते थे, लेकिन खास नहीं था उनका। ओके ओके तो मैं अभी तक 54,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, 50 ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, और मैं तकरीबन 190 कंट्रीज में ट्रेनिंग देता हूँ ऑनलाइन। ओह माय गॉड ग्रेट जी हाँ, फिजी से लेके युगांडा तक, नाइजेरिया तक से हमारे स्टूडेंट जो, उसमें मोस्टली इंडियन होते हैं, एनआरआई होते हैं जो मुझे कॉल करते हैं, और कुछ फॉरनर भी होते हैं। ओके ओके इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन की। आप मुझे बताइए कि आप एक सर सीखना क्यों चाहते हो, सीखने का पर्पस क्या है, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग आपका कोर्स सजेस्ट करूं। ओके सर ओके आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सुहास बाला साहेब राव है। मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग किया है और मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ। और मेरा काम का है, मैं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। मेरा प्रोफाइल इंजीनियरिंग फील्ड में है, जहाँ पे हम आर एन डी करते हैं और वहाँ पे हमको काफी सारे पार्ट्स से रिलेटेड काम रहता है। जैसे गाड़ी के पार्ट्स रहते हैं, तो एक गाड़ी में अराउंड 3 से 4 हजार पार्ट नंबर रहते हैं। तो बेसिकली मैं एक्सेल सीखना चाहता हूँ, क्यों आई वांट टू मेक सम ऑटोमेशंस इन द एक्सेल, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सेल इज हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल, जहाँ पे मैं मेरा काम इजी कर सकता हूँ। जी हाँ, आपने सही सॉफ्टवेयर को चूज किया है। हालांकि ऐसे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, बट क्या है कि ये इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, एंड इजी टू अवेलेबल है, यस सर ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो सबसे पहले वो इजी टू लर्न नहीं है। अगर इजी टू लर्न करेक्ट हुआ तो इजी टू अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हर जगह पे वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। अब किसी कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा तो कंपनी में बोलिए कि भाई 2 लाख का टैबलेट सॉफ्टवेयर आप परचेज कीजिए तो हम आपके साथ काम करेंगे, ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। करेक्ट करेक्ट कोर्स है तो इसमें देखिए, मेरे पास दो कोर्स है। एक है हमारा, देखिए मेनली हमारा जो फोकस होता है वो होता है रिपोर्ट ऑटोमेशन पे, राइट। ओके ओके काम है जो, क्योंकि आपका काम हालांकि डेटा मेंटेन करना है, रिपोर्ट मेंटेन करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, यही काम होता है, मतलब तीन में से एक ही काम होता है ना सर। यस सर हम खाए तो अपने डेटा को मेंटेन करते हैं, या बनी बनाई रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं, या फिर नई सिरे से एक नई रिपोर्ट को बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट इन तीनों के लिए हम ऑटोमेशन का कोर्स है हमारा, हमारा जो भी कोर्स है ऑटोमेशन का कोर्स है। तो उसमें दो पार्ट ओके है, ऑटोमेशन विद फॉर्मूला, मतलब कि एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। इसके डिटेल ओके मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा, ओके सर iptindia.com पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो आपका है लेवल 1 है। दूसरा ओके ओके वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, राइट। ओके ओके अगर आप दोनों कोई एक इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या दोनों करना चाहते हैं तो एक हमारा एक कहता है कंप्लीट कोर्स, जिसमें तीनों चीज समाया हुआ है, मतलब कि इसमें ओके एक्सेल भी है, वीवीएम माइक्रो भी है, एमएस एक्सेल भी है, और ये आपका ओके डैशबोर्ड भी है, ओके ओके ठीक है। तो इसमें आप अगर इसको डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको वो सारे कोर्सेस दिख जाएंगे, परफेक्ट करेक्ट सर ठीक है। जिसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन आपको पड़ेगी तकरीबन 100 आवर्स, तो ये तो ओके 120 130 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, वो आपकी लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता ओके ओके है। वन टू वन लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा जिसकी फीस आपको पड़ेगी 15,000 रुपये। ओके मटेरियल में आपको क्लासेस की वीडियोस, उस नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल्स मिलेगा, और एक आपका मिलेगा फ्री रीज्वाइनिंग। आप फ्री रीज्वाइनिंग क्या है, चीज को समझ जाइए। देखिए आप है हाँ बकरी, सर राइट, आपने इंजीनियरिंग सीखा था तो आपके कॉलेज में कई सारे ट्रेड और कई सारे स्ट्रीम आपको सिखाया होगा, यस कई सारे चैप्टर्स होंगे, लेकिन अभी करेक्ट आप अगर ये देखें, अगर मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाए आपसे, तो मुझे लगता है कि आप
जो फिलहाल कर रहे हैं उसी में पास करेंगे, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में अगर पास करते भी है तो एवरेज रहेगा। करेक्ट करेक्ट क्यों? क्योंकि हम ईजीटी, उसको जो है ईजीटी यूज नहीं है, हमारा यूज टू नहीं है, वो हम छोड़ चुके हैं। यस यस सेम चीज यहीं पे होता है कि अगर आपने, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा रहे हैं, आपके 8 टॉपिक एक्सेल के हैं, उसके बाद 11 टॉपिक आपके वीवीए के हैं, फिर एक्सेस के टॉपिक हैं, फिर डैशबोर्ड के टॉपिक्स हैं, मतलब 50 के ऊपर टॉपिक है। तो इसमें जो मान लीजिए ओके 5 से 6 टॉपिक जो आपके यूज टू होगा वो आपको याद रहेगा, बाकी चीजें आप भूल जाओ। हाँ लेकिन बराबर है हमने बताया आपको कि आपने जो चीजें पढ़ी वो आपकी अभी तक जो पढ़ी थी कॉलेज वगैरह में वो आपको बस डिग्री लेने के लिए था, करेक्ट लेकिन ये जो सीख रहे हैं ये आप अपने काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। यस सर आप इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 टूल्स हैं, इसको पकड़ बोलते हैं, हाँ पाना बोलिए, बहुत सारे लैंग्वेज से बोला जाता है, तो हो सकता है करेक्ट कि अभी आपको मोस्टली 5 या 7 पाना का जरूरत पड़ेगा। ओ करेक्ट तो इसका मतलब नहीं कि बाकी पाने का यूजलेस है, हो सकता है कोई ऐसी गाड़ी आ जाए या कुछ ऐसा, एक ऐसा पार्ट्स आ जाए जिसके जो कि उस पाना में यूज करना पड़े। करेक्ट उसी तरह से अभी मान लीजिए आपके पास यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ ऐसा काम आ जाए, या फिर आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाए, आपकी कंपनी चेंज हो जाए, आपको उसकी जरूरत पड़ जाए, तो उस समय आपको करेक्ट दोबारा से सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय आपको बराबर एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे किसी भी रनिंग बैच में आके दोबारा से उस पार्ट को या पूरी की पूरी कोर्स को रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके 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 सर अब इसको सीखने, यस सर ये तो हो गई कोर्स की इंट्रोडक्शन, हो गया कोर्स में क्या क्या डिटेल्स है वो वेबसाइट iptindia.com से देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, व्हाट्सएप से ले लीजिएगा। ओके सर एक और मिलेगा आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, काम करते समय कभी भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो दिल खोल के मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा, हर किसी को बोलता हूँ, मैं यूट्यूब पे जो भी मेरे वीडियो ओके देखते हैं या देख रहे हैं उनको बोलता हूँ कि आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई मुझे कॉल कीजिए, मैंने कॉल नहीं उठाया मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो मुझे स्काइप कीजिए, यस सर तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हो सकता है कि रिप्लाई में लेट हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ, अभी कोई मुझे व्हाट्सएप किया होगा तो मैं तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन आपकी क्लास के बाद उसको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट तो कभी भी आपको काम करते समय कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं, आपको मैं जो चीजें हैं बता दूंगा कि आप इस चीज को अप्लाई करके नहीं कोशिश करो, चाहे इस पर रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये वीडियो देख लीजिए, ये आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या फिर कोई नया ग्रेट सर ग्रेट तो हम उसको क्लास में, जो क्लास हमारी होगी उस क्लास में आपके साथ हम या किसी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि मुझे तो क्लास, मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम पिवट टेबल से है तो मुझे किसी को पिवट टेबल एक्सप्लेन करना ही है, तो पिवट टेबल करेक्ट जो मैं अपनी टेप रिकॉर्डिंग वाली रिपीटेड जो टॉपिक लूंगा उससे अच्छा है कि आपकी टॉपिक रख दूं क्लास में, करेक्ट सर एक नया टॉपिक मिल जाएगा और आपका काम का काम हो जाएगा। यस सर ठीक है, तो ये आपकी ऑफिस का मतलब ये हुआ कि आप अपनी ऑफिशियल प्रॉब्लम को आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपकी डेटा जो है वो कॉपीराइट का ये ना हो, पर एक प्रोटेक्टेड ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि डेटा किसी के साथ शेयर ना किया जाए, तो उस केस में आप करेक्ट कर सकते हैं, उस केस में मुझे आप एक डमी डेटा बना के दे सकते हैं अपने डेटा के टाइप का। करेक्ट करेक्ट सर करेक्ट ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। देखिए ये तो चीजें होगी कोर्स के बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में, कोर्स के बारे में, करेक्ट सर आप बताइए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, इसमें आपको एडवांस एक्सटेंसिव करना है या फिर आपको कंप्लीट कोर्स करनी है जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह सब यस कुछ है। हाँ मैं जस्ट ब्रीफ करता हूँ सर आपको। एक्चुअली मेरा पर्पस जो है ना मुझे एक्सेल एक्चुअली मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे और एक्सेल में थोड़ा सा सीखना है। मुझे एक्सेल अच्छा लगता है। जैसे पिवट टेबल है ग्राफ्स है जैसे ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो मेरे ऑफिस में अभी कैसा है मेरा काम का जो है ना हमारा परचेस का या फिर प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है जो हमारे टेस्टिंग का जो डिपार्टमेंट है उनके सारे जो डेटा रहते हैं तो उसपे मैं काम करते रहता हूँ।
मुझे थोड़ा थोड़ा वीपी मैंने देखे, कोर्स देखे जैसा माइक्रो रिकॉर्डिंग, थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है, बट मुझे इसमें प्रोफेशनली सीखना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि ये क्या रहता है क्या रहता है क्या रहता है, क्योंकि मैंने एक्सेल और यूट्यूब से वीवी दोनों बहुत। करना चाहते हैं आप इन शॉर्ट में यस जब? सर, मैं आपका एडवांस भी करना चाहता हूँ, मैं वीबीए भी करना चाहता हूँ, एक्सेस भी करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ एनालिसिस और डैशबोर्ड भी करना चाहता हूँ। हाँ, डैशबोर्ड आपका यह है इसके, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, यस सर। आपके पास अगर कोर्स ऐसा करते हैं तो आपके पास ऐसे आपको बेसिक एक्सेल की नॉलेज तो है ही, लेकिन आपके हाँ पास एक चीज और चाहिए, वो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए टाइम। मैं करेक्ट आपको सर, करेक्ट। बताऊं कि जो एक्सेल है वो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, करेक्ट तो मैथमेटिक की तरह बिल्कुल है। तो आपको अगर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो आप यहाँ सीख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप उसने। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, यस सर। तो इसलिए आपको ये, आपके पास अगर प्रैक्टिस के लिए टाइम है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलेंगे सर ऑफिस में तो मैं यस घर पे सर। ही काम करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो सर एक्सेल में अभी तो काम तो अभी तक भी करते थे ना। यस आपको सर, अभी मेरी मेरी काम के एक सर सॉरी अलावा मैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए, जो आप मेरी क्लासेस को प्रैक्टिस कर सकें। हाँ सर, अभी ये टाइमिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि मेरा वर्किंग आवर जो है वो सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक रहता है। अभी इसमें मैं थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता हूँ टाइमिंग में, या तो फिर इवनिंग के बैच में या फिर सुबह 7 बजे, ऐसा कुछ तो कर सकता हूँ। हाँ, सुबह 7 बजे करना चाहें तो मेरे पास मॉर्निंग 7 बजे का बैच अवेलेबल है, उसको आप कर सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके। और ठीक दूसरा है, ये है सर, मैं अगर आपको 24/7 अगर मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, तो ये मोबाइल का जो ऐप है ना, वो मोबाइल थोड़ा इजी रहेगा मुझे, मेरे हाथ में स्मार्टफोन रहता है, कभी भी अगर मैं आपका रिकॉर्डेड वीडियो और मैं अगर लिंक करना हाँ तो चाहूँ तो मोबाइल पे वो भी तो हम कर यूट्यूब सकते पे हैं। रहता है वीडियो, आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, मैं डेली 7-8 वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे मैं अपलोड करूंगा ओहो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, और अब मैं भी 24/7 ही कनेक्टेड रहता हूँ, अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं रात को सोया भी रहूंगा तो भी आपका फोन उठा लूंगा मैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू ठीक सो है, तो मच। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर किसी को बोलता हूँ, कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल कर सकता है। यस सर, अगर मैं यस नहीं सर, कॉल उठाया तो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिए, तो विद इन मिनट 10 मिनट 1 आवर के अंदर में आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। डन सर, डन। अच्छा, अभी ओके, मेरा और एक क्वेरी था सर। हाँ पूछिए। सपोज अभी मैं सपोज अभी मैं अभी सीख रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी कल मेरे बॉस ने मुझे पूछा, रिलेशनशिप जो रहता है, रिलेशनशिप हाँ जो हम पिवोट में करते हैं, हाँ तो ऐसे काफी सारे मैंने वीडियोस देखे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने काफी सारे वीडियोस देखे जहाँ पे हर एक का तरीका या बताने का तरीका अलग है, और मैं ये चीज मानता हूँ कि सिखाने वाला और सीखने वाला अगर उनका मेंटेलिटी जुड़ जाता है तो हम समझ सकते हैं। अगर मेरे एक फ्रेंड है जो वीबीए करता है ऑफिस में, वो एक्सपर्ट है वीबीए में, बट वो क्या है ना, वो सिखाता नहीं है, वो दिखाता नहीं है कुछ, वो उसके अलग फंडे रहते हैं, वो कुछ तो अलग कोडिंग में से करता है या रिकॉर्डिंग करता है, आई डोंट नो। बट मुझे ये जानना था कि ये वीबीए जो है ये अलग अलग कोडिंग रहता है या इसका एक ही सिलेबस है। एक ही सिलेबस है सर, आपने सी पढ़ा था ना अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, मैंने इंजीनियरिंग में किया है सर, मैंने सी पढ़ा था आपने, प्रोडक्शन, सी पढ़ा था ना? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, सी सी प्लस प्लस मैंने पढ़ा नहीं है सीरियसली। अगर पढ़ते मैंने सिंपल सी बात अगर मैं समझ जाइए, सिंपल सी बात समझ जाइए, लैंग्वेज हाँ है वीवीए, वही लैंग्वेज है जो लैंग्वेज हर जगह पे ही होता है, जैसे कि बोलने का तरीका अच्छा होता है। मान लीजिए कि कोई अगर किसी को आप लेटर, मान लीजिए एप्लीकेशन लिखते हैं आप कि मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए, राइट, तो कोई हाँ सिंपल लिख देता है कि मुझे छुट्टी चाहिए और जो भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करता है, कुछ जो है स्पेशल रीजन देता है, स्पेशल रिक्वेस्ट करता करेक्ट, है। सेम उसी तरह से है कि आपका एप्लीकेशन एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अब कुछ लोग जो ओके है, अब मान लीजिए ना कुछ लोग जो है यहाँ पे मैंने मान कुछ लिख दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, कुछ लोग करेक्ट इसको करेक्ट कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं,
ओके ओके करेक्ट कुछ लोग इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं, समझ गया ना सर? तो करेक्ट इसका बहुत करेक्ट अलग अलग होगा ना। करेक्ट करेक्ट अंडरस्टूड मेन मकसद होता है, अब जान लीजिए वीवी आखिर करता है क्या है, जान लीजिए वीवी कोई तोप नहीं है, सिंपल सी एक लैंग्वेज है जो कि हम कंप्यूटर के साथ अपना ये करते हैं, टॉकिंग कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, आपने एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज है वीवी, आपने बात को बता दीजिए, ऑटो पायलट लगाने के लिए होता है। इन शॉर्ट मैं बोलूँ करेक्ट वीवी का यूज वहां होता है जहां पे एक्सेल के फीचर्स, मान लो कोई ऐसा फीचर एक्सेल का है जो कि लेंथी है या नहीं है, करेक्ट ऐसे फीचर करेक्ट को अपडेट या क्रिएट करने के लिए वीवी इस्तेमाल करते हैं, ओके ओके ठीक है। और जहां रिलेशनशिप की आपने बात की तो क्या होता है बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं हाँ डेटा सर पोलराइजेशन। यस मान लीजिए कि आपके पास आप एक सेल का डेटा है मान लीजिए, राइट? तो सेल्स हाँ डेटा सर में आपने क्या किया हुआ है, एक मैं विजुलाइजेशन के साथ बताता हूँ। हाँ सर मान लीजिए मेरे पास से सेल्स का डेटा है, राइट? इसमें करेक्ट कस्टमर सेल्स ट्रांजेक्शन आईडी है, सेल्स आईडी है, डेट है, सीआईडी करेक्ट है, कस्टमर की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है एंड क्वांटिटी है। अब इस करेक्ट सर में ना मुझे प्रोडक्ट की प्राइस पता है, ना प्रोडक्ट का नाम पता है, ना कस्टमर का नाम पता है, ना कस्टमर की लोकेशंस यस पता है, राइट? यस यस इन्फॉर्मेशन क्या यस है, कस्टमर में जाइएगा तो यहाँ पे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, और करेक्ट प्रोडक्ट में जाइएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट करेक्ट लेकिन इसमें इन दोनों में एक यूनिक कोड है जो कि हमारे आईडी डेटा में यूनिक कोड है। करेक्ट करेक्ट अब हमें क्या करना है, पिवट लगानी है हमें, तो पिवट लगाते समय हमें चाहिए सिटी वाइज टोटल। करेक्ट तो अब मेरे डेटा में सिटी तो नहीं है, तो रिलेशनशिप क्या करेगा कि इस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में कस्टमर में फाइंड करेगा और यहां से इसकी सिटी को उठाएगा और पिवट को शो कर देगा। सिंपल ओके ओके है। अगर आप ऐसा ना करोगे तो आप वी लुकअप या कोई और फॉर्मूला लगा के मुझे इसके यहां पे इसका सिटी डालना पड़ेगा, मुझे डेटा को एडिट करना पड़ेगा, और डेटा को एडिट करना हम अवॉइड करते हैं। यस सर और इसे डेटा मॉडल क्रिएट होने के बाद उसको स्पेस भी कम लगता है, मींस उसका साइज एक्सेल का फाइल भी कम रहता है, ऐसा हाँ मैंने यूट्यूब पे हाँ देखा था। हाँ करेक्ट सर ठीक है। यस सर गॉट इट तो इसमें आगे भी चीज करेंगे। तो अभी मैंने आपको YouTube YouTube का एक वीडियो लिंक भेजा है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि ओके क्लास से पहले आपको इन चीजों पे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो भेजा है क्योंकि 4 घंटे का है, तो उसको एक बार आप अच्छे तरीके से देख ले। मैंने बोलता हूँ पूरा देख, ओके उसमें जो टॉपिक आपको नहीं आता वही देखें, और कल सुबह 7 बजे हम कनेक्ट करेंगे, यस सर डन ठीक है ना? और बाकी बात यस सर कर लेंगे। यस सर यस सर